all right? All right. You have to leave me, sir. I'll take them back. ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀ ਤੂੜੀ ਖਾਖਾ ਬਲਦ ਹਾਰ ਗਏ ਤੂੜੀ ਖਾਖਾ ਬਲਦ ਹਾਰ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਗਿੱਜ ਗਏ ਫੀਮਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪਟਿਆ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਣ 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 ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਿਲਾ ਚਾਚੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਚਾਚੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਚਾਚੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਚਾਚੀ
सवाल मत पूछ हिंदुस्तानी। ना मालूम तुझे अभी यहाँ कितने रोज रहना पड़े, तेरे सवाल खत्म ना हो जाए। कौन देगा इसके पहले सवाल का जवाब? क्या चाहते हो मुझसे? चाहते तो कब की खत्म हो गई, जरूरतें बाकी है। हमारे इनकलाब को अब्दुल लतीफ की बहुत जरूरत है। हमारी सरकार ने बिना जरूरत उसे तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है। इस सरकार को कहो कि उन्हें छोड़ दे, हम तुम्हें रिहा कर दे तब भी नहीं। तुम्हारी सरकार की नजरों में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। एक फौजी की जान की कीमत उसकी वतन की आजादी से ज्यादा नहीं होती है। क्या बैठ, बहुत हो गया तेरा नेकी का भाषण। तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आतंकवादियों का पीछा करते हुए मेजर कुलवंत सिंह साहनी शायद एलओसी के उस पार चले गए हैं, जहां पर आतंकवादियों ने उन्हें बंदी बना लिया है, ताकि वो भारत सरकार पर मेजर कुलवंत सिंह के बदले अपने एक आदमी को छोड़ने के लिए दबाव डाल सके। चन्निया की कीता है? तुझे पता ना कितना बड़ा अपशगुन है ये बच्चगुन है। तुम्हारे सामने पूरा का पूरा बच्चगनी का टोकरा पे आया है, वो दिखा नहीं देता आपको? हाय हाय, कैसी बातें कर रही है? ऐसे क्यों कह रही है चन्नी? तो और क्या कहूँ, तुम्हारी लाडो की काली किस्मत ना उसे दो कदम आगे ही चलती जा रही है। देख चन्नी, पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बोल क्या हुआ है। साफ साफ सुन लो भरजाई जी, आपकी लाडो तो पहले पति को खा गई महारानी, पर कम से कम उसकी बरात तो निकली थी। पर दूसरा तो अपनी शादी की खबर सुन के ही ना शहीद हो गया है। चन्नी तेरी मत मारी गई है, तुझे पता है तो क्या बोल रही है? अच्छा तो मेरी मत मारी गई है, जाके टेलीविजन की सेट पे सुन लो, न्यूज फ्लैश हुआ जा रहा है। एक तो चला गया, अब दूसरा भी गया है समझो। बड़ी कर्मावारी पैदा की है तुमने लाजो। इसकी किस्मत से लड़ रहे थे ना वीर जी, देख लिया, मौत भी आई तो कहां जाके, प्रदेश में। बस चुप कर चन्नी, जो मन में आया बोलती जा रही है, तो कुछ नहीं होगा, कुलवंत वापस आ जाएगा एकदम ठीक ठाक। तो मैं भी तो वही तो चाहती हूँ, पर हमारा चाहना इनफ नहीं होता ना। पहली बार भी सबने यही कहा था, लड़का आ जाएगा बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगा। आया तो चार कंधों पे सवार होके, अब बेचारा कुलवंत। चुप कर जा चन्नी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बक बक कर रही है तू। हाँ हाँ मुझे चुप कराओ ना, मेरा तो मुंह बंद करवा दोगे, बाकी सारों का मुंह बंद करा सकते हो? मान क्यों नहीं लेते कि लड़की मनहूस पैदा हुई है इस घर में? तो अच्छा उसे शादी करवा देते कुलवंदर से ना, तो जान छूट जाती, बला चल जाती इधर। अब इनका भी बेटा जाएगा, आप भी तो कम नहीं हो ना वराजी। हाँ जब नजर है ना किसी की धन दौलत पे टिकी होती ना, तो दोस्ती रिश्तेदारी नजर नहीं आती आपको। हद्दत वीर जी की हालत देखो, ये कोई उम्र है जवान बेटे की मौत की खबर सुनने की? बस, बस। बहुत हो गया, जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है इसमें गीत का कोई कसूर नहीं है। जिसे देखो इस बेचारी बच्ची को दोष दिए जा रहा है।
क्या गलत कह रहे हैं ताऊजी? ठीक है तो कह रहे हैं सब, मैं हूँ मनहूस। एक बार जो हुआ उसे संजोग कहकर टाला जा सकता है, पर बार बार नहीं। किस किस से लड़ोगे अब ताया जी, किस किस से? मान क्यों नहीं लेते कि मैं हूं मनहूस? पुत्र, ऊपर से रब भी आकर कहे ना तो भी मैं नहीं मानूंगा, तो इनकी हैसियत क्या है? तो इनकी बातों की बिल्कुल परवाह मत कर और उस रब पर यकीन रख, सारे खेल उसी के रचे हुए हैं। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बच्चे। मुझे यह तो नहीं मालूम कि कल क्या होगा, मगर इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अपनी हिम्मत और विश्वास के बलबूते पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। अपने विश्वास को अपनी ताकत बना और फिर देख कि आज जो लोग तुझे ताने दे रहे हैं, तुझे बदशगुनी कर रहे हैं, उनके मुंह पर कैसे ताले लग जाते हैं। पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ताऊजी, और अभी भी कर रहे हो। बस अब एक मौका मुझे भी दो ताकि मैं भी अपना फर्ज पूरा कर सकूं। कुलवंत मेरी ही वजह से इस मुसीबत में पड़ा है, और उसे बाहर भी मैं ही निकाल सकती हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुलवंत से शादी। तेरे
की दासना मैं दर्द कितना करा मैं बया तेरे सजदे में ये सर झुका हमने मुझ में ही देखा खुदा तेरे सजदे में ये सर झुका हमने मुझ में है देखा खुदा दर्द तेरे तेरे साथ जो हुआ पुत्र उसके लिए बाबा जी खुद को माफ नहीं कर सके रोज नई सजा देते हैं खुद को कभी अंगारों पे चलकर तो कभी अपने आप को चिमटा मारते हैं और तो और पुत्र एक अन्न का दाना तक नहीं खा सके उस दिन से नहीं पुत्र गलती तेरी नहीं गलती उसकी है तेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला वही है तेरी कश्ती को वही बाहर उतारेगा और अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा कोई रिश्ता ना होते हुए भी अगर बाबा मेरे लिए ऊपर वाले से लड़ सकते हैं मेरी जीत के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनकी लड़ाई का फैसला होने से पहले ही हार मान लूं अगर कुलवंत को कुछ हो गया मैं भी अपनी जान दे दूंगी अब तो मेरी भी जिंदगी जिएंगे तो साथ और अगर मरेंगे तो भी साथ।